चलिए, हम लोग कहाँ पढ़ने वाले सर? तो क्लास 10 मैथ, ठीक है, क्लास 10 मैथ, वास्तविक संख्या जो चैप्टर हम लोग का चल रहा है, वास्तविक संख्या होगा। प्रश्नावली 1 का D हम लोग आज बनाने वाले हैं। उससे पहले सर, हम लोग 3 चैप्टर को पढ़ चुके हैं। प्रश्नावली 1 का A, 1 का B, 1 का C तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। आज कितना होगा? तो 1 का D होगा। अगर वो वीडियो आप नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएगा सर, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। तो आइए सर, इसको हम लोग समझेंगे और बारी बारी से दो दो पार्ट में इसको ख़त्म करेंगे। ये चैप्टर को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, दो पार्ट में इसको हम ख़त्म करेंगे। तो आइए देखिए, आपका है प्रश्नावली, आपके पास बुक होना चाहिए सर, ठीक है, आपके पास बुक होना चाहिए। ये भारतीय भवन का बुक है, ठीक है, ये भारतीय भवन का बुक है। आप पूरे वीडियो को देखेंगे सर, तब आपको समझ में आएगा, बीच में छोड़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आइए थोड़ा सा आप देख लेंगे, बेसिक थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए शांत और अशांत के बारे में। शांत और अशांत के बारे में देखिए, आपका जो शांत होगा, देखिए आपका पी अपॉन शांत का जो फॉर्मूला होता है, पी अपॉन 2 के पावर n, टू, ये 2 लिखे हैं, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, ठीक है, इस फॉर्म में अगर होगा तो वो शांत होगा, ठीक है, इस फॉर्म में होगा तो ये शांत होगा। अगर ये इस फॉर्म में नहीं होगा, अशांत, इस फॉर्म में होगा आपका, वो होगा शांत, मतलब पी अपॉन 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, तो आपका मिलेगा शांत होगा। देखिए आप एग्जांपल से आपको सारे समझ में आ जाएगा। देखिए पी का मान आपका कुछ रह सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी आपका पी का मान रह सकता है, और नीचे में आपका 2 और 5 के पावर में, 1 2 1 2 3 4 5 होल नंबर या नेचुरल नंबर उसके पावर में होना चाहिए। देखिए जहाँ n और m, n और m 0 1 2 3 4 5, मतलब डॉट 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 आपका इन्फिनिटिव तक रह सकता है, मतलब जीरो n के पावर, n के मान भी कुछ वहाँ पे रह सकता है, और m के पावर भी, n के, m के मान भी, ठीक है। तो 2 के पावर n और m के पावर 5, 2 के पावर n और 5 के पावर m, या 2 के पावर m और 5 के पावर n रह सकता है। देखिए अगर आपको जो दिया हुआ रहेगा और उसको जो बोलेगा शांत और साथ में करने के लिए, अगर इस फॉर्म में नहीं रहा तो ये होगा आपका अशांत, ये होगा आपका अशांत। जैसे एग्जांपल में आप समझ लेंगे, देखिए एग्जांपल में है 7/100, बोलेगा कि शांत है या अशांत, शांत है या अशांत। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि 7/100, इसको बताना है कि शांत है या अशांत, शांत है या अशांत। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, एक कट्टी थोड़ा सा आप देख लीजिए। देखिए 7/ कितना हो जाएगा, तो इसको आप खंडन कर लेंगे। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यही ना होगा, ये 100 को हम लोग तोड़ेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यही होगा। देखिए आप ऊपर में कितना है, तो 7 और नीचे 1 2 2 के पावर हो जाएगा 2, और नीचे 5 1 2, मतलब 5 के पावर 2, लेकिन नीचे में आपका 5 और 2 आया है ना, सेटिस्फाई कर गया आपका, 5 और 2 नीचे होना चाहिए, ऊपर से हमको मतलब नहीं है, ऊपर में कुछ भी रहेगा हमको नो लेने देना सर, नीचे में आपका 5 और 2 होना चाहिए, पावर में कुछ भी रहे 0 1 2 3 4 5, उससे नो ले देना, बस आपको 2 और 5 होना चाहिए, तब ये होगा आपका शांत, तब ये होगा आपका शांत। अगर वहीं पे देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर ये 1 था, ये 2 है, जैसे कि 343/5 इतना ले लेते हैं। देखिए इसको बताना है कि शांत है या अशांत, शांत है या अशांत, शांत है या अशांत। कुछ नहीं करेंगे, फिर तोड़ेंगे इसको, ऊपर वाले से नौ लेना देना, आप लिख दीजिए उसको 343 अपॉन कितना हो जाएगा, तो 5
525, इसको आप गुणनखंड करेंगे 25 इस तरह, 3 से ये लग जाएगा, तो 70 51, 5 ये आपका 5 से लगेगा ना, इतना आएगा, फिर 5 से लगेगा, ये आपका 7 आएगा, मतलब 3 1 है, 3 1 है और 5 2 वो है ना, 1 5 2 5, तो 5 के पावर 2 एंड टू 7 7 है, ठीक है। तो आपका हम क्या बोले थे कि इस फॉर्म में आपका होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए, अगर उसके अलावा में कुछ आ गया, देखिए 3 आ गया है और 7 आ गया, तो ये क्या होगा, अशांत होगा, चूंकि ये आपका सॉरी अशांत होगा, चूंकि आपका 2 और 5 मैच नहीं किया है, तो ये क्या हो जाएगा, तो अशांत हो जाएगा। सिंपल सर, ये 2 और नीचे में 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है, पावर में कुछ भी हो, 0 1 2 3 4 5 तब होगा शांत, अगर उसके अलावा नीचे में कुछ हो जा मतलब कि 2 के अलावा और 3 के 2 और 5 के अलावा, नीचे में 2 और 5 के अलावा कुछ आ जाएगा, वो होगा आपका अशांत। आइए सर, इतना अगर से आप समझ लेंगे तो इस चैप्टर को बना सकते हैं, तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में है, रिक्त स्थानों को भरें, रिक्त स्थानों को भरें, ठीक है, रिक्त स्थानों को भरें, रिक्त स्थानों को भरें, रिक्त स्थानों को भरें। नंबर 1 में आपको दिया गया है, यही है ना, तो हम क्या बोले थे कि अगर शांत होने का शर्त और अशांत होने का शर्त, मतलब नीचे में आपका गुना में है 2 और 5 के अलावा कुछ आ गया, तो वो होगा अशांत, और 2 5 देखिए यहाँ पे मिल रहा है आपका, 2 और 5, तो ये तो मैच कर गया ना, तो ये क्या होगा, तो शांत होगा। कितना सिंपल है, आप इसको बना सकते हैं, आइए झमा झम बनाते जाइए झट्टा झट। क्वेश्चन नंबर 2, 7 के पावर 5, ये आपको बताना है कि शांत है कि अशांत है, कुछ नहीं सर, देखिए शांत होने का शर्त था कि 2 और 5 के अलावा अगर नीचे में कुछ आ गया, तो वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो अशांत हो जाएगा। तो देखिए आपका क्या आ गया, 7 आ गया ना, 7 आ गया, 7 आने से ये अगर नहीं रहता तो होता शांत, लेकिन ये आने से ये हो गया अशांत, क्या हो गया, तो अशांत हो गया, अशांत इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आता होगा सर, उम्मीद करते हैं आपको समझ आता होगा, यही ना है 75, इसको आप बनाइए, ऊपर में कितना है तो 4, नीचे में कितना है तो 3 इंटू 5 इंटू 5, यही ना होगा 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 25 3 75 इक्वल, देखिए आपका हो गया 4 अपॉन कितना 3, और 5 2 को है तो 5 के पावर 2, देखिए 2 2 और 5 होना चाहिए, ये 3 आ गया है, ये 3 आने से आपका हो गया क्या, ये अशांत हो गया है। कितना सिंपल है, आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। आइए मैं आपको झट्टा झट खत्म करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ रहा है, ठीक, 75 यही ना है, क्यू का मान पूछ रहा है कि पी अपॉन क्यू के रूप में है, तो क्यू का मान इसमें आपको बताना है, क्या है, पी अपॉन क्यू में है तो आपको क्यू का मान बताना है, कुछ नहीं है, देखिए इसमें क्यू का मान पूछा है वाट, देखिए जो ऊपर वाला होता है वो क्यू का मान होता है, जो ऊपर वाला होता है वो क्यू का मान होता है, जो नीचे वाला होता है वो नहीं, जो ऊपर वाला होता है वो पी का मान होता है, और जो नीचे वाला होता है वो क्यू का मान होता है, ठीक है। तो आप इसका एल क्या बोलता है, ये पॉइंट उड़ा लेंगे, तो पॉइंट उड़ा लेंगे तो 1 2 3, मतलब 1 पे 7 ये 5 आ जाएगा, अब बटे कितना होगा, तो 1000 होगा, आप इसको कट कर लेंगे, अगर कटता है तो उसको काट लेंगे, ठीक है, अगर नहीं कटता है तब तो उसको छोड़ देंगे, मतलब यहाँ पे देखिए 5 से कट रहा है, तो 5 से काटिए तो 205 जा 1000 हो जाएगा, ये आप 5 से काटेंगे तो 7 5 35 और फिर 25 25 75, ऊपर में कितना आ जाए तो 75, फिर आप काट लीजिए 1 टाइम, 5 से काटिए तो 15 5 जा नहीं, फिर काटिए आपको 4 0, फिर ये कट गया आपका 3 टाइम, फिर ये कट गया 8 टाइम,
मतलब ऊपर में कितना बचा है, 3, नीचे में कितना बचा है, तो 8। देखिए ऊपर का मान जो मान होगा वो p का मान होगा, नीचे का जो मान होगा वो q का मान होगा। तो हमको क्या पूछा है, तो q इक्वल टू कितना होगा, 8 इसका आंसर होगा, कितना होगा, 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अगर पॉइंट में दिया हुआ है तो उसको पॉइंट वगैरह उड़ा लेंगे, और कटता है तो ऊपर नीचे काट लेंगे। ऊपर का मान जो बचेगा वो p का होगा, नीचे का मान जो बचेगा वो q का होगा। बस अगर p का पूछेगा तो p का निकाल दीजिए, q का पूछेगा तो q का निकाल देंगे, इसमें क्या रटने वाली बात है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 096। ये भी p बटे q के रूप में है, तो q का मान पूछ रहा है, q इक्वल टू वाट पूछ रहा है कि q का मान दीजिए। कुछ नहीं, देखिए आप इसका पॉइंट उड़ाएंगे, आप इसका क्या करेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे। यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3, मतलब 1 दे के 3 0 देना है। 1 2 3 0 9 6 ऊपर में आएगा, और नीचे में कितना आएगा, तो 1 दे के 3 0, चूँकि पॉइंट के बाद 3 गो है, 1 2 3, तो 1 दे के आप क्या देंगे, तो 3 0 देंगे। आप इसको कट कर लेंगे, देखिए 4 से कटेगा ये शायद, हाँ 4 से कटिए, तो 25 4 100 है, 1 0 बचा। देखिए कैसे काटे सर, ये आप 100 को ले लेंगे, तो 4 से काटेंगे तो 25 चौके खत्म हो जाएगा, 100 और 1 0 लगा दिए। आप इसको अगर 4 से काटेंगे, ये तो देखिए 12 कैसे कटेगा, 3 4 3 जा कितना, 12 आपका आया है 3, तो 0 आएगा यहाँ पे, चूंकि 3 में 4 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 1 0 लेंगे तो 3 0 30, 30 7 चौके 28, हाथ में दो दो बच्चा, यहाँ पे 1 बच्चा है, तो फिर 7 चौक 28, और यहाँ 1 बच्चा, यहाँ 4 बच्चा, तो 4 4 जा कितना, तो 16। फिर 2 से आप इसको डिवाइड कर लेंगे। एक बार नीचे ले आते हैं सर, ऊपर में कितना है, 30 77 4 अपॉन 250। आप इसको 2 से काटिए तो 125 दुना कितना होता है, 250। आप ऐसे काट सकते हैं। फिर देखिए इसको 2 से काटिए तो 30 के आधा कितना, तो 15। फिर इसका 3 दुना 6, हाथ में 1 1 और 7 17 8 दुना 16, 1 17, 1 हाथ में, फिर 1 और 4 14 7, ऊपर में कितना आया है, तो 15387 बटे कितना होगा, 125। ऊपर का जो मान होगा वो क्यू का होगा, नीचे का जो मान होगा, और कटेगा किसी से क्या, नहीं कटेगा किसी से, नहीं कटेगा, और नीचे का जो मान होगा वो क्यू का होगा। तो हमको क्यू बराबर पूछा है, तो क्यू इक्वल टू 125 आपका आंसर हो जाएगा। क्यू इक्वल टू कितना होगा, तो 125 इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे इसको आप बना सकते हैं। जो पॉइंट कितना है, 875, 875। देखिए आप इसको बनाइए, आप इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद कितना जीरो, वन पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 1 2 3 4, तो ऊपर में आप लिख लेंगे 8 7 5, चूँकि जीरो नहीं लिखे हैं, जीरो का वैल्यू इधर नहीं होता है, अपॉन कितना हो जाएगा, तो 1 पर 7 0 हो जाएगा, यही ना होगा। आप उसको काट लेंगे तो आप 2 से 5 से काटेंगे तो ये 10 है, 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा, 1 2 3 0 आप दे देंगे, 1 2 3 0। आप यहाँ से काटेंगे तो 17 25 85 बचा, 2 2 5 25 175 टाइम में कटेगा ये। फिर 5 से काटिए आप, अब सीधा 25 से काट लीजिए, तो 25 8 200 0 80 हो जाएगा। यहाँ 25 से काटिए, 25 25 125 25 25 सत्ते बार में कटेगा, 7 होगा ऊपर में, ऊपर में कितना आ गया, तो 7, नीचे कितना आया, तो 80। आप 80 को लिख सकते हैं, देखिए आप 80 को लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है, मतलब 2 के पावर कितना है, तो 7, ऊपर में 7 है, 1 2 3 4, मतलब 2 के पावर में 4 × 5 के पावर में 1, 2 के पावर में 4 और 5 के पावर में 1। देखिए इसी फॉर्म में ये लिखने बोल रहा था कि 2 के पावर n और 5 के पावर m, मतलब 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए, देखिए आपका आ गया है। ठीक है, तो ये फॉर्म में हमको बोल रहा था कि लिखिए 0.105, इसको आप बदलिए, कुछ नहीं करेंगे। देखिए सर, जो आपका पॉइंट है उसको उड़ाइए,
तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 1 2 3 डिजिट, तो 125, 105 है बट्टे 1 देके 3 को 0 दीजिए, 1 2 3। आप इसको कट कर लेंगे, 5 से काटेंगे तो 200 हो जाएगा, और ये 5 से काटेंगे तो 21 टाइम कटेगा। ऊपर में कितना बचा, तो 21, नीचे कितना बचा, तो 200। ये 200 है, 200 को आप इसको खंडन करेंगे, ठीक है। नीचे दिख रहा है, नीचे ऊपर में कितना है, 21, नीचे में है 100, मतलब कि कितना होगा, 2 × 2 × 2 × 5 × 5। आप खंडन करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो ऐसे आप कर लेंगे, देखिए 200 आप कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए 2 से लगाएंगे तो 100 × 200, फिर 2 से लगाएंगे 50 × 100, फिर 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा 25, फिर 5 से लगाएंगे आपका 5 आ जाएगा, मतलब 2 के पावर में 3 हो जाएगा ना, 3 वो है। तो ऊपर में देखिए कितना है, 21, और नीचे आपका क्या आ गया, तो 2 के पावर 3, चूँकि आपका 3 को 2 है, 1 1 2 3, और 5 कितना है, 1 2, मतलब फिर 5 के पावर में 2 आपका। इसी फॉर्म में लिखने बोल रहा था कि a के पावर n, मतलब 2 के पावर n, और 5 के पावर n के रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, इस पॉइंट 3408, देखिए इसको बनाना है। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, पॉइंट को उड़ाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ से देखिए पॉइंट यहाँ से उड़ाएंगे तो 1 2 3 4, मतलब 4 को 0 नीचे में आएगा। ऊपर में कितना है, 23408 अपॉन कितना जगह, 1 में कितना होगा, तो 4 0 होगा, चूँकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, 1 2 3 4। आप इसको कट करेंगे, इसको 4 से काट लेते हैं, हाँ 4 से चल जाएगा। ये देखिए 4 से 25 चौके 100, देखिए ये 100 है, यहाँ पे 100 है, तो 4 से काटेंगे तो 25 टाइम कट जाएगा, ये 1 0 1 0, 2 0 आप उतार लेंगे, ये आप 25 से काटें, 4 से तो आप इसको 4 से काटिए, ये आपका 23 है, तो 5 टाइम काटिए, आपका 3 बचा, 3 32, 8 चौके 32, ये 1 बचा है, 1 और 4 3 2 2 2 बचा है, 2 0 16 16 16, 4 6 16, आरो 20 था ना, 5 3 जा, गलत तो नहीं हो गया, 4 5 20, और आपका बच्चा है 3 33 8 4 32, 1 और 2 1 2 3 और 5, और ये 2 टाइम जाएगा। ऊपर में कितना है, तो 58 58 3 और 5 इतना हो गया, और नीचे में कितना है, तो 500। आप इसको 4 से फिर काटिए, 4 से इसको फिर काटिए, तो ये हो जाएगा आपका 625, कितना हो जाएगा, 625 टाइम कट जाएगा। और यहाँ से आप 4 से काटेंगे तो 17 13 चौका 52 13 चौका 52, 14 चौका 56, 14 से काटिए आप, 14 चौका 56 बचा 2 2 और 3 23, 5 बचा 3 5, 8 चौके 32 बचा 3 8 चौके 32। देखिए ऊपर में आपका कितना बचा है, तो 14588, नीचे में कितना बचा है, तो 625, 8 2 16 5 21 21 21 21 21, 1 22 26, अब नहीं जाएगा ये, ठीक है, अब ये नहीं जाएगा। आप ऊपर से हमको 9 लेना देना, ऊपर में जितना आप रहने दीजिए, ऊपर में है 14588, आप नीचे वाले को खंडन करके लिख दीजिए, 625 है ना, तो 25 के पावर में 3 1 4 होगा, ये आपका आया है 2, खंडन आप करेंगे ऐसे करके तो ये 5 से जाएगा, 120 आएगा, ये आएगा 25 आएगा, ये 5 मतलब 5 है 4 को, तब क्या करेंगे, 5 के पावर 4 × अगर 2 नहीं है तो 2 के पावर में 0 ले लेंगे, क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा, ABCD मतलब कि कोई भी डिजिट के पावर में अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो 2 और 5 के रूप में हमको लाना था, 2 5 और 2 के रूप में हमको लाना था, तो देखिए आ गया है, ये 2 नहीं आया था लेकिन हमको लाना था, तो अब क्या दे देंगे, 2 के पावर में 0, इसका मान 1 होता है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा, इसलिए इसको लेंगे, तो देखिए उस रूप में आ गया है, 2 के पावर n और 5 के पावर n के m के रूप में। अगला क्वेश्चन,
अगला है क्वेश्चन नंबर 4। 9.56340 इतना है सर, आप इसको बदलिए 2 के पावर n और 5 के पावर m में कुछ नहीं है। देखिए आप क्या करेंगे, तो इसका पॉइंट को उड़ा देंगे। पॉइंट के देखिए, पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो है डिजिट के अंत में, तो ये ज़ीरो का वैल्यू नहीं होता, आप इसको मिटा सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी मिटाएंगे तो वहाँ पे लास्ट में कट ही जाएगा, इसलिए आप इसको मिटा देंगे सही रहेगा। देखिए तो आप इसको पॉइंट उड़ाएंगे, 1 2 3 4, आप ज़ीरो को नहीं लेंगे तो ये जो हो जाएगा 9 5 6 3 4, और नीचे कितना हो जाएगा, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो 1 देके 4 0 देना है आपको, 4 0 दे दिए। आप इसको कट करेंगे 2 से, अगर इसको कट करेंगे 2 से आप इसको काटेंगे, ये तो देखिए काटिए 2 से, ये हो जाएगा 4 2 8 बचा 1, 1 और 5 15, 7 2 9 14 बचा 1, 1 और 6 16 हो जाएगा, 8 2 9 16, ये 34, 17 2 9 आपका 34 हो गया। ऊपर में कितना बचा है, तो 47 817। नीचे में कितना बचा है, तो ये आप 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये कट कीजिए 5 टाइम, मतलब कि 5000 हो जाएगा। ठीक है, 5000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। तो यहीं पे ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं सर। इधर देखिए ऊपर वाला है, आप उसको लिख दीजिए 47817, और नीचे को आप खंडन कर लेंगे, मतलब कि 1000 है तब आप ऐसे कर लीजिए, 5000 है सर, तो आप लगाइए 4 से 2 से, पहले 2 से लगाएंगे आप, ये हो जाएगा 2500, फिर काटेंगे तो आपको 2500 के आधा 1250, फिर ये आप 2 से लेंगे 625 आएगा, आप फिर 625 होता है 5 के पावर 4। ठीक है, 5 के पावर 4 होता है, तो 2 के पावर आपका 3 आया है, कितना आया है, 2 के पावर 3, चूँकि 2 3 वो है, अब 5 के पावर में 4 आया है, 5 के पावर में 4 आया है, कितना है, 5 के पावर में 4 आया है और 2 के पावर में नहीं, हाँ 5 के पावर में 4 आया है, 2 के पावर में 3 आया है। आप यहाँ भी इसको लिख सकते हैं, इसको आप कट करेंगे तो आपका है 47, ऊपर में कितना है, तो 47817, और नीचे में आपका क्या है, तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर में 4, इतना आपका आंसर आएगा, चूँकि ये 2 और 5 के फॉर्म में बोल रहा था कि लिखिए, देखिए आया है, इतना आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है सर, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है इसको एक लाइक करके हमको आप मोटिवेट जरूर करेंगे। तो आइए सर, सारे में बना दूंगा सर, आपको मेरे साथ खाली बने रहना है, मैं आपको सारे सिखा दूंगा। आइए, 5 नंबर है 1.666 और 6, मतलब डॉट 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 ये चलते जा रहा है, मतलब कि ये आवर्त है, ये अशांत आवृत्ति है, क्या है, अशांत आवृत्ति, चूंकि यहाँ पे आप नहीं लिख, आप यहाँ पे लिख देंगे कि देखिए जो आपका वो शांत आवृत्ति होता है वो उसका 2 के पावर n और 5 के पावर n, मतलब इस फॉर्म में आपको नहीं लिख सकते, आप उसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो देखिए सर, ये वो शांत आवृत्ति आ रहा है, ये कटाई नहीं, डॉट 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 चलते जा रहा है, तो आप यहाँ लिख देंगे चूँकि यह अशांत आवृत्ति आवृत्ति फलन है या प्रसार है, फलन है, इसलिए इसको p/2n × 5 के पावर n के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि अगर वो कट जाता तो आपका वो शांत हो जाता और उसका हम लोग लिख सकते थे p/2 के पावर n और 5 के पावर में m, तो ये अशांत है तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते, अशांत आवृत्ति का हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, किस फॉर्म में, तो p/2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में, जो शांत होगा उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं सर फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब बोल रहा है कि भाग दिए बिना बताएं कि 10% शांत होगा या अशांत होगा, शांत और अशांत आपको बताना है। देखिए 3 का 1 में आपका दिया गया 29/343, 29 बटे कितना हो जाएगा 343, यही ना है,
29 बटे 343 उसको बनाइए भाग दिए बिना। तो आप देखिए ऊपर में आपका कितना है 29, नीचे है 343 को आप तोड़िए इस तरह 343। आप 7 से इसको लगाएंगे तो 7 चौके 2807, ये आपका 777, मतलब कि आपका 2 के 7 के पावर में 3 आया है। नीचे में कितना है 7 के पावर में 3 है और 5 के पावर में 0 और 2 के पावर में 0। तो बताइए कि 7 आ गया नीचे में, ये 5 के पावर में 0 2 के पावर में 0 इसलिए लिखे हैं कि इस फॉर्म में लाना था। इसका मान तो 1 हो जाएगा क्योंकि कोई भी डिजिट के पावर में अगर 0 रहा तो वो 1 हो जाता है, लेकिन ये 7 आ गया। अगर 7 नहीं आता तो ये क्या होता, शांत होता, लेकिन ये आपका 7 आ गया तो ये क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा तो अशांत आपका आंसर है। नेक्स्ट नंबर 2 है 3/8। क्या है 3/8, आप इसको तोड़िए। देखिए 3 और नीचे में कितना है 2 के पावर 3 होता है, कितना होता है तो 8 होता है, और 5 बनाना है तो 5 के पावर में 0 दे दीजिए, क्योंकि इसका पावर इसका मान तो 1 हो जाएगा, 5 के पावर 0 इसका मान 1 हो जाएगा, इतना गुना इतना तो इतना रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा तो शांत हो जाएगा, क्योंकि आपका नीचे में 5 और 2 मिल रहा है। नीचे में कितना आपका 5 और 2 मिल रहा है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 455। आप नीचे वाले को खंडन कर लेंगे, ऊपर वाले से नौ लेना देना सर, आप ऊपर ऊपर नीचे करते तो काट लीजिए, नहीं तो ऊपर से नहीं लेना देना रखिएगा आप। 455 है ये, आप इसको कर लीजिए खंडन, 5 से लगाइए तो ये आपका 9 5 45 1 63 91 7 × 3 आ जाएगा ये, तो क्या हो गया देखिए ये कितना आया, ऊपर में आपका 64 है, नीचे में कितना आया तो 7 5 × 7 × ये कितना आया 13 आ गया। देखिए 5 और 2 ही आना चाहिए लेकिन ये 7 और 13 आ गया, तो ये क्या होगा तो अशांत होगा, ये क्या होगा अशांत हो गया। इतना सिंपल है, आप सर इसको बना सकते हैं। नंबर अगला नेक्स्ट 4 नंबर 15 यही ना है 6/15। देखिए ऊपर में 6 कटता है तो आप काट लीजिए, 3 से काटिए आप 2 टाइम कट जाएगा, ये आप काटिए तो 5 टाइम कट जाएगा, मतलब 2/ कितना है तो 5, 5 के पावर में कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे 2 बनाना है तो 2 के पावर में 0, चूँकि वो तो 1 ही हो जाएगा, तो ये क्या हो गया शांत हो गया, चूँकि 5 और 2 के फॉर्म में ये आया है, 5 और 2 के फॉर्म में ये आया है, 5 के पावर 1 आया है, लेकिन हमको 2 लाना है तो 2 के पावर में अगर 0 दे देंगे तो इसका मान ये 1 हो जाएगा, तो प्रभाव नहीं पड़ा ना, 1 के गुना में आप 1 से 5 से गुना करेंगे तो ये 5 ही बचेगा, तो इसका देना ना देना 1 पड़ा, ठीक है, इसलिए हम उसको सेटिस्फाई करने के लिए 5 और 2 लाए हैं ताकि शांत हो जाए वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कितना है 35/50, अगर कटता है तो काट लेंगे, देखिए 5 से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा, तो ऊपर में कितना बचा है 7, नीचे में कितना बचा है तो 10, आप ऊपर वाले को रहने दीजिए, नीचे को 2 × 5 यही तो लाना था, 5 और 2 यही तो लाना था नीचे, अगर ये आ जाएगा तो ये क्या होगा तो शांत हो जाएगा, कितना सिंपल है, आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17/512, 17/512 ऊपर वाले को आप रहने दीजिए, नीचे वाले को आप तोड़िए, देखिए 512 को आप तोड़ेंगे तो 5 के पावर में आप तोड़ेंगे तो ये 228 आएगा, क्या 2 से काटिए आपका 25, 256 आएगा, और 2 से काटिए तो 128 आएगा, फिर ये 2 से काट ये आएगा 64, या ये 2 तो ये आया आपका 32, और 32 होता है 2 के पावर 5, मतलब 5 6 7 8 9 2 के पावर में 9, ये ऊपर में 70, नीचे में 2 के पावर 9 कुछ नहीं है तो 5 के पावर में 0। देखिए 2 और 5 हमको बनाना था, ये बना है, इसका ये क्या हो जाएगा तो शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो शांत हो जाएगा, चूँकि नीचे में 2 और 5 आया है, नीचे में कितना आया है तो 2 और 5 आया है, जिसका चलते ये शांत हो गया, ठीक है। आइए अगला मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, नंबर 7/80 है यही ना है, तोड़िए 7, ऊपर वाले को आप रहने दीजिए और नीचे वाले को आप तोड़िए, देखिए 8 2 के पावर में हो जाएगा आपका 4 और 5 के पावर में 1 16 50 यही ना, ठीक है, नीचे कितना आया 2 2 और 5 ही तो लाना था, ये अगर आ गया नीचे कट कुट के तो आपका होगा शांत, अगर इसके अलावा कुछ आ गया तो वो होगा वो शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 13/125 है, 13/125
25 से देखिए ऊपर वाला कितना है तो 30, नीचे में कितना 125, 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर में 3, ये हो गया 125, बनाना है 2, तो 2 के पावर में हम लोग लेंगे 0, तो ये तो 1 हो गया सर, इसको लिखे या ना लिखे एक पड़ा, तो लेकिन सेटिस्फाई करने के लिए हम लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, तो शांत हो गया, नहीं ये क्या हो गया, तो शांत हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, इतना है। आप देखिए 17 को ऊपर में रहने दीजिए और नीचे देखिए 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में 3, और 5 हमको लाना है, तो 5 के पावर में कितना ले लेंगे, तो 0 ले लेंगे, 5 के पावर में कितना ले लेंगे, तो 0 ले लेंगे, तो ये देखिए सेटिस्फाई कर गया है ना, देखिए 2 और 5 आया, तो ये हो गया आपका शांत, क्या हो गया शांत, ऐसे आप उसको सर बना सकते हैं। आज यहीं तक रखेंगे सर, ये वीडियो अंत हो गया है, ये वीडियो सर यहीं तक रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम बनाए हैं, 4 और 5 कल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा 4 और 5 नंबर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सर जितना मैंने आपको बताया आपको सारे समझ आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको एक लाइक करके हमको आप मोटिवेट जरूर करेंगे, इसको आप रिवाइज करेंगे सर तब आपको दिमाग में रहेगा, अगर इसको आप छोड़ देंगे तो आपको दिमाग से चल जाएगा, तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।